नमस्ते दोस्तों, मुंडवी हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। ये है एक ऐसी गाड़ी जो भले इंडिया से डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन दिल में अभी भी इसने जगह बना के रखी है। फोर्ड एंडेवर 3.2 4x4। आज हम ये गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस बताएंगे इनके ओनर, जिनका नाम है भूषण। तो भूषण, थैंक यू सो मच शूट पे आप लेके अपनी गाड़ी। पहले आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं, क्या हॉबीज है आपकी? माय नेम इज भूषण एंड मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूं। क्या पढ़ाई करते हो? मैं BMS कॉमर्स। तो लाइसेंस है आप ऐसे ही? लाइसेंस है। तो भूषण, मुझे ये बताओ कि आपकी गाड़ी कौन से साल की मॉडल है, कितना किलोमीटर चली है, क्या है बैकग्राउंड? ये 2017 मॉडल है, ये चली है 1,85,000। ओह बाप रे, 1,85,000। मतलब कितने का डीजल भर रहा होगा इसमें आपने? मतलब 8-10 लाख रुपए का तो डाला आराम से। तो मुझे ये बताओ, गाड़ी में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? सबसे पहले बेसिक में आइडिया बता दो मुझे। गाड़ी में नेगेटिव है बूट स्पेस, और बूट स्पेस वैसे इंक्रीज हो सकता है, लेकिन विदाउट इंक्रीजिंग, विदाउट फोल्डिंग द थर्ड रो सीट्स, वैसा होना चाहिए था। आपको मतलब थोड़ी और ज्यादा कैपेसिटी चाहिए थी गाड़ी में। पॉजिटिव क्या क्या अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट क्या चीज लगती है गाड़ी के बारे में? सब फीचर्स पसंद है। कौन सा फेवरेट? हेडलैम्प फीचर, हेडलैम्प वॉशर्स है, ऑटो पार्क है। या मुझे लगा आप पॉजिटिव में बोलोगे, इसकी डिजाइन इतनी धाकड़ से डिजाइन है। हां, धाकड़ से डिजाइन तो है ही ना, इसलिए तो लिए है। चलो एक काम करते हैं, गाड़ी में ड्राइव पे चलते हैं और तभी डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है? चलो भूषण, हम लोग बैठ गए आपकी गाड़ी में। यार 1,85,000 चली, लग ही नहीं रहा क्या कंडीशन है। मतलब साफ रखी अंदर बाहर से, और ज्यादा आवाज नहीं आ रही, वाइब्रेशन नहीं हो रहा, चलने में भी अच्छी। मैंने चलाई मतलब शूट के पहले, तो अलग ही मजे है गाड़ी के। मतलब तो आपने कहाँ पे सर्विस कराई ये गाड़ी इतने साल? ये गाड़ी मैं फोर्ड में सर्विस कराता हूँ। तो अभी है सर्विस सेंटर की क्या सीन है? सर्विस सेंटर है। तो आप कौन से वाले में कराते हो सर्विस? मैं सर्विस सेंटर अपना तुर्बे नवी मुंबई में। और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है सर्विसिंग का? मतलब स्टाफ कैसे है? बहुत अच्छा, मतलब फोर्ड जाने के बाद भी है ना, सेम सर्विस है। हाँ हाँ। सर्विस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट अगर कुछ गया है हाँ हाँ। तो फिर वो तुरंत अवेलेबल भी हो जाता है। और अब तक ओवरऑल कितना खर्चा हुआ होगा गाड़ी के मेंटेनेंस पे? गाड़ी के मेंटेनेंस पे ओवरऑल, मतलब अगर बड़ा मेंटेनेंस के है तो 2 लाख के आसपास हो चुका है। 2 लाख का क्या एग्जैक्टली हुआ है खर्चा? 1,80,000 का ये था सिर्फ, और ड्राइव शाफ्ट था आई थिंक 1 लाख का। ओके, ड्राइव शाफ्ट था, फिर इसका सस्पेंशन का हो चुका है। दो बार अपने फ्रंट सस्पेंशन चेंज करवाया इसका। यस। उसका क्या कॉस्ट होता है फ्रंट सस्पेंशन का? फ्रंट सस्पेंशन का कॉस्ट आई थिंक 1.2 के आसपास। 1.2 लाख? यस। बहुत ज्यादा है, लेकिन हां मतलब गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से तो है, मतलब होता ही इतना। हां, और कोई मेजर दिक्कत आई है गाड़ी में? रिलायबल है काफी? बहुत रिलायबल है ये गाड़ी, कभी रास्ते में बंद नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? एक ही बार हुआ था। हाँ। लेकिन वो मतलब एक्सीडेंटली हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? रात को अंधेरे में जब अभी रोड के काम चालू रहते हैं कंस्ट्रक्शन, तब वहाँ पे उन्होंने ये नहीं लगाया था बैरिकेड। ओके ओके। और वहाँ पे वो दिखा नहीं, इसलिए सीमेंट के पेवमेंट से गाड़ी नीचे कूद गई डायरेक्ट। अच्छा। और इसलिए उसका गियरबॉक्स का कुछ पार्ट गया था, वो वारंटी में हो गया था आई थिंक। अच्छा। किसी में तो हुआ था, इंश्योरेंस में हुआ। हाँ। मुझे ये बताओ आपको ओवरऑल माइलेज कितनी मिलती है इसमें, सिटी में और हाईवे पे? अभी तो 10 दे रही है फिलहाल। हाँ, हाँ। वैसे नॉर्मली देती है 8.9। ठीक है, माइलेज गाड़ी इतनी हैवी है, पावरफुल है, तो सेगमेंट के हिसाब से 8.9 का अच्छा माइलेज है, और 10 वैसे जाती है। राइट। फुल टैंक आप इसमें कराते हो तो मतलब 700-800 किलोमीटर चल जाती है आराम से, 720। और आपका यूजेज किस टाइप का? आप सिटी में चलाते हो, हाईवे चलाते हो? सिटी। तो आप ही चलाते हो, फैमिली में कोई और यूज करता है गाड़ी? पापा। तो उनको कैसी लगती है गाड़ी? बहुत अच्छी, इसलिए तो अभी पापा इसे चला रहे, इतनी चलाई पापा ने। तो अभी कुछ प्लान है अपग्रेड करने का या मतलब रखनी है? रखनी है। अच्छा अच्छा। रीसेल तो नहीं है? रीसेल उसका कुछ आएगा नहीं है? रीसेल तो नहीं है, फॉर्च्यूनर तो है नहीं रीसेल के लिए। लेकिन फॉर्च्यूनर आपने चलाई, ये चलाई, दोनों में से मतलब क्या लगता है आपको, कैसी क्या कौन सी गाड़ी है? ये गाड़ी चलाते वक्त एक ऐसा फील आता है, दमदार फील आता है। हाँ हाँ। और वेट वेट बहुत फील होता है ये गाड़ी। हाँ का हाँ। अभी मैं चला रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ वजन लेके चला हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ। वैसे फॉर्च्यूनर मुझे जब चलाता हूँ ना स्पीड में, अगर एक्सीलेटर दिया मैं हाँ हाँ। तो वो व्हील स्पिन करता है, आगे जाता है, मतलब ऐसा भागता घोड़ा है वो। हाँ हाँ। वैसा ये बहुत जमीन को लेके चलता है ऐसा। लेकिन ये इतनी हैवी गाड़ी है, इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग बहुत हैवी है, तो उसमें थकान होती है। राइट 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 राइट। स्टीयरिंग है ना, एक हाथ से भी मोड़ सकते हैं, इतना लाइट स्टीयरिंग है इसका। तो जब आपने ये गाड़ी खरीदी तब आपने कोई और एसयूवी कंसीडर की थी, और यही क्यों खरीदी? फॉर्च्यूनर की थी कंसीडर। तो वो क्यों नहीं ली? वो पापा को पसंद थी, ये मुझे पसंद थी, और जब इसके फीचर्स पापा को मालूम पड़ गए तब
पापा ने यही ले ली फिर। तो कौन सा फीचर और कुछ नया भी ट्राई करना था फोर्ड? हाँ गाड़ी तो बड़ी, कौन सा फीचर फेवरेट आपका? मेरा ऑटो पार्क वाला और ये ऑल टेरेन मैनेजमेंट। हाँ हाँ ऑटो पार्क यूज करते हो सब जगह पे? ऑटो पार्क मतलब ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि उसके लिए सिर्फ पैरेलल पार्किंग चाहिए रहता है। हाँ हाँ वैसे अच्छा ऑडियो सिस्टम कैसा लगता है आपको इसका? ऑडियो सिस्टम बहुत अच्छा है, तो बेस बूस्टेड है पूरा। तो ओवरऑल आपको अगर एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपका, आपके फैमिली का, तो क्या आपको पसंद है गाड़ी में, क्या नहीं पसंद है मेजरली? ये गाड़ी में जो पसंद नहीं है बूट स्पेस के अलावा, वो तो आपने बता दिया मुझे, फिर कुछ नहीं बचता। सब पसंद है आपको गाड़ी में? ये गाड़ी पसंद फोर्ड इंडिया से चला गया, वो पसंद नहीं है, सिर्फ वो पसंद नहीं है क्योंकि नई वाली एंडेवर भी ट्राई करनी थी। हाँ वो तो एटलीस्ट टेस्ट ड्राइव करनी थी वो गाड़ी। बाहर जाना पड़ेगा आपको आउट ऑफ इंडिया टेस्ट ड्राइव करने, थाईलैंड तो जाना पड़ेगा। हाँ थाईलैंड में तो बहुत कुछ कर सकते हो आप टेस्ट ड्राइव के अलावा भी। तो ये बताओ इसमें आपने रोड ट्रिप किए कोई, मतलब कोई बढ़िया सी जगह पे आप लेके गए इसको लॉन्ग ड्राइव पे, या सिर्फ लोकली चले? नहीं 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 इस पे रोड ट्रिप नहीं हुई अभी तक। रोड ट्रिप अभी तक नहीं हुई? 2,00,000 किलोमीटर होने हैं। लेह लद्दाख कब जाओगे गाड़ी लेके? लेह लद्दाख कुछ प्लान है रोड ट्रिप का कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? यही पे चलानी है बस सिटी में। ऑफरोडिंग की है कि नहीं? ये ऑफरोडिंग हो चुकी है। हो चुकी है ऑफरोडिंग? गांव में ही होती है और किधर, माउंटेन रीजन है। और आप इसके जो टायर्स हो कितने किलोमीटर पे बदलते हो, कौन से वाले डालते हो? 50,000 किलोमीटर पे। और कौन से वाले ये तो आईडिया नहीं अभी। इस पे तो वो लगे योकोमा जी ओलैंडर। तो ये गाड़ी के बारे में मुझे खास ये लगता है कि ये जो ऑल टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर हम लोग मड वाले एरिया में है तो तुरंत मड मोड डाल के वहाँ से निकल सकते हो। अभी गांव में जैसे कुछ ऐसे सरफेस रहते हैं, रॉकी रीजन रहता है, तो फिर तुरंत रॉक मोड डालना, निकल गए वहाँ से, तो वो अच्छा लगता है। वैसे फॉर्च्यूनर में क्या था, पावर मोड, इको मोड, वो जो पुरानी वाली थी 2017, यस वो वाली। तो ये बताओ आपके कोई दोस्तों ने चलाई है गाड़ी कॉलेज में? नहीं, किसी ने नहीं चलाई गाड़ी, बस एक ही दोस्त ने चलाई है। क्या बोलो, अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन आप कॉलेज लेके जाते हो? नहीं कभी नहीं लेके गया, लेकिन जिस दोस्त ने चलाई थी उसको बहुत पसंद है, उसके पास BMW का X5 भी है, लेकिन उसको ये गाड़ी पसंद है वो कहता है। अभी थोड़े दिन पहले आप आए थे शूट पे, आपने स्कॉर्पियो N चलाई थी, ठीक है, मेरी वाली, राइट। तो आपको कैसी लगी स्कॉर्पियो N इसके कंपैरिजन में? स्कॉर्पियो N का हाइट बहुत है, है ना, एकदम ऊंची सी है, बहुत ऊंची है, मेरे साइड में भी रहेगी ना, ऊंची दिखती है, और अंदर जो बैठा वो भी बहुत ऊपर दिखता है। इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाया गाड़ी में? नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ है प्लान करवाने का कि नहीं, स्टॉक ही रखनी है? प्लान अगर होगा तो सेकेंडरी कार आने के बाद ही। हाँ हाँ अभी तो प्राइमरी कार आपकी है, जैसे बहुत लोगों ने किया है एंडेवर का मॉडिफाई, उस पे आगे वो पूरा बॉडी किट लगाते हैं, गाड़ी को ऊपर कर देते हैं, यस लिफ्ट करते हैं, अच्छा लगता है वो। हाँ वो तो बहुत मस्त लगता है। और मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ कि आपने 7 लोगों को गाड़ी में बिठाया एक साथ और कहीं गए, कि यूजुअली कितने लोग बैठते गाड़ी में? होता है बहुत बार, 7 पीपल यूज करते हो, तो जो थर्ड रो में बैठते हैं उनको कैसा लगता है, कंफर्टेबल बैठे हो कभी? थर्ड रो में मैं खुद बैठा हूँ, थर्ड रो में पैर नीचे नहीं रख सकते, बस इतना ही है, पैर रखने की जगह ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, और अंदर जाना, बाहर, थर्ड रो में अगर कंफर्टेबल रहना है तो आपको 2 लोग ही बैठ सकते हो आप, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि थर्ड रो में बहुत ही स्पेस कम है और चलने को भी नहीं होता अंदर। और कुछ आप कहना चाहेंगे? सनरूफ, क्या सनरूफ, वो भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है आपको गाड़ी के बारे में? एरी फीलिंग आता है सनरूफ रहता तो वैसे फॉर्च्यूनर में सनरूफ नहीं था, नहीं नहीं उसमें नहीं, वो एक बात है इस गाड़ी के बारे में। माइलेज भी देखा जाए तो इतना भी बुरा माइलेज नहीं देती, अभी दे रही है हमें 9.9, मतलब फुल टैंक पे चलती 800 किलोमीटर। हाँ, तो, और इतना बड़ा गाड़ी ले रहे तो माइलेज की क्यों टेंशन लेनी है, वो भी है। तो ये बताए आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे गाड़ी के बारे में जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? और ऐड ये कर सकता हूँ, अगर सेकेंड हैंड गाड़ी आप सोच रहे हो ये लेने की तो बिंदास ले लीजिए, अभी मिलती है कुछ 20-22 लाख रुपए में एंडेवर मिलती है, 3.2 का ज्यादा होता है प्रीमियम, वो 30 आसपास जाती है, 30 के आसपास रहा है। हाँ, लेकिन ये सब तो मिल जाती है। इसका इंजन जो है वो बहुत पावरफुल है, आई मीन अभी भी आप सुन सकते हो ना, बहुत पावरफुल इंजन है इसका, रोर करता है पूरा, और भागती है एकदम, की आपको लगता है कि भागती है, भागती है, और भगाओ आप सुन सकते हो कितना रोर कर रही है गाड़ी। और ये सब गाड़ी में अलग ही फील आती है, जो कैरेक्टर होता है ना ये सब गाड़ी का नहीं होता
बोलते इलेक्ट्रिक कार ये वो, हाँ, ये फील कहाँ से आएगी? ये कुछ नहीं होती, वो गाड़ी बस चलती रहेगी, मंजिल तक पहुँचाएगी, मंजिल तक पहुँचाएगी वो गाड़ी। इसमें देखो कितना कैरेक्टर ये गाड़ी है, 5 साल पुरानी। ये गाड़ी का प्रॉब्लम इसका वेट है सिर्फ, बाकी इसका वेट मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ वेट तो है गाड़ी का, क्योंकि मतलब बड़ी है और इतना सारा इक्विपमेंट डाल के रखा है फोर्ड ने, तो वैसे बढ़िया है गाड़ी। और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इसका जो नॉइज रिडक्शन है बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसमें वो नॉइज कैंसलेशन, नॉइज कैंसलेशन मतलब वो कुछ नया था हमारे लिए, क्योंकि जब 2011 का फॉर्च्यूनर था उसमें तो बाहर का आवाज आता था, उसमें तो बहुत आवाज आती है। हाँ बहुत आवाज आती थी। हाँ पुरानी फॉर्च्यूनर तो बहुत आवाज आती है बाहर की, पतली सी एकदम, और कुछ है नहीं उसमें एनवीएच, उसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा वो प्रीमियम इसमें आपको फील होती है। तो वो जो उसके बाद ये इसमें बैठे हैं, तो जो आवाज था बाहर का वो पूरा साइलेंट था। हाँ बहुत साइलेंट, बहुत साइलेंट है। थर्ड रो का जो इलेक्ट्रिक फोल्डेबल सीट्स है वो भी उसको और एक अच्छा ऐड होता है, क्योंकि जब फॉर्च्यूनर में है मैन्युअली ये सीट ये करो फिर वो ऊपर सीट ऊपर रखो तो वो बहुत तकलीफ देता था, वैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक था, बटन दबाओ फोल्ड हो जाती है सीट, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये गाड़ी में 40 लाख के अंदर आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स दिए। हाँ जब आती थी 35-40 की आती थी, मतलब अभी तो फॉर्च्यूनर आप देखो 50-60 लाख रुपए की आती है विदाउट एनी फीचर्स, विदाउट एनी फीचर, सनरूफ नहीं आता उसमें। यस लेकिन हाँ लोग लेते हैं, मतलब दबा के सेल होती है फॉर्च्यूनर की। आईफोन आईफोन है वो। तो भूषण मजा आ गया आपके साथ बात करके। अभी मार्केट में अगर किसी को सेकेंड हैंड एंडेवर लेनी है तो लेनी चाहिए या फिर नहीं, आज के हालात में आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अगर 15-20 लैक्स में आपको ये गाड़ी अच्छे से आ रही है, इतने अच्छे फीचर्स के साथ और इतने अच्छे लुक्स के साथ, तो ऑफ कोर्स लेनी चाहिए। और सर्विसिंग का कुछ इश्यू होता है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मिल जाते सब पार्ट्स। फोर्ड ने प्रॉमिस किया है। फोर्ड ने प्रॉमिस तो बहुत कुछ किया था। चलो ठीक है, मजा आ गया आपके साथ बात करके। मैं चाहता हूँ कि आप ये गाड़ी को और 3-4 लाख किलोमीटर चलाए आराम से, और बाद में कोई और भी बढ़िया बढ़िया एसयूवी ले। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी हो। आपको मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। आपको कोई भी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देख रहे हैं बताएं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप भी आना चाहते हैं आपकी गाड़ी के साथ, तो फिर मुझे मेल कीजिए contact@motorbeam.com पे। थैंक यू।